मेष राशि का दिन आज श्रम साध्य रहेगा। दोपहर तक मेहनत का फल न मिलने पर क्रोध आएगा। धन लाभ के लिए अधिक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी खबर मिलेगी। पुराने संगी साथी और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। नए मित्र बनेंगे। मित्रों के सहयोग से किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। कार्यों में गति आएगी। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। व्यापार ठीक चलेगा। लाभ में वृद्धि होगी। घर बाहर सुख शांति रहेगी। वृष राशि का दिन अनुकूल रहेगा। मेहनत सफल रहेगी। सामाजिक क्षेत्र से आय के नए साधन बनेंगे। उच्च वर्ग के लोगों से लाभदायक जान पहचान होगी। बिगड़े काम बनेंगे। कार्य सिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। आय में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य करने के अवसर मिलेंगे। घर बाहर पूछ परख रहेगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। समय की अनुकूलता का लाभ लें। मिथुन राशि को आज आशा के अनुरूप धन लाभ नहीं मिलेगा। वे आज अनैतिक कर्म की ओर भी प्रवृत्त हो सकते हैं। खुद को छोड़कर इधर उधर की बातों में ज्यादा रुचि लेंगे। लेन देन में सावधानी बरतें। किसी भी अनजान पर भरोसा न करें। शोक संदेश मिल सकता है। विवाद को बढ़ावा न दें। किसी के उकसाने में न आए। व्यस्तता रहेगी। थकान और कमजोरी रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। आय में निश्चितता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। कर्क राशि का दिन मिश्रित रहेगा। मेहनत का फल पूरा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। धन लाभ आज चाहकर भी आशा के अनुकूल नहीं रहेगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सिंह राशि वाले आज लंबी यात्रा न करें। ठंडे पदार्थ का सेवन से परहेज करें। संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार में वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यस्तता रहेगी। मित्रों की सहायता कर पाएंगे। कन्या राशि का दिन आज मिला जुला रहेगा। शत्रुओं का पराभव होगा। राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। कारोबार से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। कोई बड़ा कार्य करने की योजना बन सकती है। कार्य सिद्धि होगी। सुख के साधनों पर व्यय होगा। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। तुला राशि की महिलाएं आज जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेने से परेशान हो सकती हैं। घर या रिश्तेदारी में पूजा पाठ के आयोजन में भाग ले सकते हैं। वाहन मशीनरी और अग्नि आदि के प्रयोग से हानि की आशंका है। सावधानी बरतें। दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करें। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से क्षोभ होगा। फालतू बातों पर ध्यान न दें। व्यापार ठीक चलेगा। जोखिम के कार्य बिल्कुल न करें। वृश्चिक राशि के जातक आज किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य में उपस्थित रहेंगे। सेहत को नजरअंदाज न करें। तीर्थ भ्रमण का योग है। सत्संग का लाभ मिलेगा। राजकीय सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे और लाभदायक रहेंगे। कारोबार मनोनुकूल रहेगा। शेयर मार्केट में जोखिम न लें। नौकरी में चयन रहेगा। घर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। दुष्ट जन हानि पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें। धनु राशि का दिन मिश्रित रहेगा। सुख के साधनों पर खर्च करेंगे। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कोई बड़ा कार्य कर पाएंगे। व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। कार्य पूर्ण होंगे। प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जोखिम न लें। भाइयों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों का पारिवारिक वातावरण आज ठीक ठाक रहेगा। अविवाहितों के लिए रिश्ते आएंगे। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लंबी यात्रा हो सकती है। लाभ होगा। नए अनुबंध हो सकते हैं। रोजगार में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। प्रसन्नता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के काम की तारीफ उच्चाधिकारी करेंगे। घर बाहर पूछ परख रहेगी। कुंभ राशि के लोग आज न चाहते हुए भी व्यर्थ के झगड़े में पड़ेंगे। गलती करने के बावजूद अहंकार की वजह से नहीं झुकेंगे। खर्च से तनाव बढ़ेगा। किसी के उकसावे में ना आएं। विवाद से बचें। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। व्यापार ठीक चलेगा। आय होगी। विवेक का प्रयोग करें। जोखिम के कार्य टालें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मीन राशि के जातक आज किसी बहुप्रतीक्षित कार्य को लेकर बेचैन रहेंगे। अधूरे कार्य पूर्ण करने की जल्दी रहेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे।
कोई बड़ा कार्य हो जाने से प्रसन्नता रहेगी। निवेश लाभदायक रहेगा। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। विवाद से बचें, आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है।